हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। नई वैकेंसी आई है यंग इंटर्न कार्यक्रम 2025 के तहत, जिसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई इंटरव्यू भी नहीं रहने वाला है। वेतन जो है इसमें 30,000 रुपये पर मंथ जो है, जो भी चयनित इंटर्न होंगे उनको दिया जाएगा। योग्यता 12th पास और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट ही जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, पूरा जो है विज्ञापन देखेंगे और यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्ट हैं, तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं वीडियो में ही आप लोगों को बताई जाएगी। अंत तक वीडियो के बने रहें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके। वैकेंसी कहाँ से जारी की गई है? तो ये वैकेंसी राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शासन सचिवालय जयपुर की तरफ से है। 7 अक्टूबर 2024 को यंग इंटर्न्स कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। जो भी राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, नीतियां होती हैं, तो उनका जो है प्रचार प्रसार हो सके, ये इसका जो है वास्तव में उद्देश्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। लास्ट डेट आप ध्यान में रखें, क्योंकि इसमें ऑनलाइन आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को ऑफलाइन मोड में ही जो है आवेदन करना होगा। तो आज 13 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर लास्ट डेट है, आज से ही आवेदन कर दें जो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे। इसमें जो है आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट का यहां पर लिंक भी दिखेगा, बाकी मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर ही दूंगी। यहां पर सबसे पहले जो है, चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात जो भी होगी वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। बाकी आवेदन करने से पहले पूरा PDF फाइल आप पढ़ेंगे जरूर, 13 पेजों की जो है ये PDF फाइल है। यंग इंटर्न कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश 2024, तो इसमें जो है उद्देश्य मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता ही दिया है। सबसे पहले पात्रता मानदंड, सामान्य पात्रता मानदंड देखें। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही कार्य क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें कंप्यूटर की जो है आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। हिंदी इंग्लिश जो है आपको पढ़नी बोलनी आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग जो है आपको आनी चाहिए। अब देख लेते हैं इसमें कार्य क्षेत्र, कौन कौन से कार्य क्षेत्र में वैकेंसी है। तो जब स्टार्टिंग में आप इसका परिचय देखेंगे, और परिचय में जो है यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं नीतियों के प्रचार प्रसार का कार्य करता है, और वर्तमान में सूचनाओं के विभिन्न माध्यमों पर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कॉपी एडिटर, कंटेंट राइटर, तो इसमें तो अप्लाई कर ही सकते हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, क्रिएटिव राइटर, न्यूज़ एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, फील्ड रिपोर्टर, डेस्क एडिटर जैसे स्पेशलिस्ट इंटर्न जो हैं लिए जाने हैं। बाकी जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले सैलरी दिखा ही देती हूँ, क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि सैलरी जो है कितनी रहेगी, तो यहाँ पर बिल्कुल लिखी हुई है कि मानदेय जो है वो चयनित इंटर्न को मानदेय के रूप में प्रतिमाह 1 मुश्त 30,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, इंटर्नशिप की अवधि जो है पूर्ण करने पर, यानी 1 साल का रहेगा, इसको अगर आप पूर्ण कर लेते हैं, इंटर्नशिप की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत तो अंतिम माह का मानदेय भुगतान किया जाएगा। यदि इंटर्नशिप में शामिल होने के 1 माह के अंदर इंटर्नशिप छोड़ देता है तो उसे कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। प्रत्येक इंटर्न को प्रत्येक माह में एक आकस्मिक अवकाश भी जो है दिया जाएगा। ठीक है, और देखें आपको जो है 1 साल का जो आप काम करेंगे तो आपको जो है इस फील्ड का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और जो कि आपके भविष्य में भी काम आएगा, या फिर आपका इंटर्नशिप जो अगर पूरा हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर जो है ये आपको यहाँ पर दोबारा से जो है इस काम में रखेंगे, जैसा कि इन्होंने इस PDF फाइल में लिखा भी है और ऑफिशियल वेबसाइट से ही जो है मैंने ये लिया है। कार्य क्षेत्र आप देखें, जैसे कॉपी एडिटर है, पदों की संख्या 1 है, तो इसमें 12th में आपके 60% इससे कम नहीं होने चाहिए, 60% या इससे अधिक अंक आपके होने चाहिए। ग्रेजुएशन में 60% इससे अधिक होने चाहिए। जो भी कॉपी एडिटर के लिए अप्लाई करेंगे तो पत्रकारिता में BJMC, BJ, PGDJ 60% या उससे अधिक अंकों के साथ आपने यहाँ पर उत्तीर्ण की हो, साथ में जो है राष्ट्रीय या राज्य स्तर समाचार पत्र या फिर TV चैनल या फिर विज्ञापन एजेंसी या PR एजेंसी में कॉपी एडिटर के रूप में अगर आपने काम किया है तो उनको प्राथमिकता देंगे। अगर नहीं किया है
तो भी जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने केवल 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है। बाकी जो है पत्रकारिता में और राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर अगर आपने ये काम किया है तो उनको यहाँ पर जो है प्राथमिकता देंगे। कंटेंट राइटर की जो वैकेंसी है तो इसमें 12th ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के से इससे अधिक 60% या इससे अधिक, और बाकी जो है ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट की वैकेंसी है तो इसमें सीनियर सेकेंडरी 60% उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या स्नातक में 60% या इससे अधिक, ठीक है। बाकी जो है अगर ये नहीं है सोशल मीडिया मार्केटिंग जिन्होंने कभी नहीं किया है ये, और जो है सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट कर रखी है, स्नातक आपका है कंप्लीट, तो भी आप इसमें अप्लाई कर दें। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं इसमें। इन अनुभवी कैंडिडेट को जो है प्राथमिकता ज़रूर मिलेगी। ग्राफिक डिज़ाइनर की वैकेंसी है तो बिल्कुल सेम इसमें। वीडियो एडिटर की वैकेंसी है, क्रिएटिव राइटर की वैकेंसी है, उसके बाद देखें न्यूज़ एंकर की वैकेंसी है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जो वैकेंसी है, ये पूरा आप देख लेंगे। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आवेदन करें। चयन प्रक्रिया पात्र उम्मीदवारों को ऑफलाइन अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक या तकनीकी संस्थान के कैंपस माध्यम से आवेदन करना होगा। उम्मीदवार द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सवैतनिक अनुभव का प्रमाण भी जो है प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। अगर आपको अनुभव है तो आपको प्रमाण पत्र जो है वह भी आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी आप लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। विभाग द्वारा आवेदकों के आवेदन पत्र उनकी कार्य क्षेत्र में संबंधित पात्रता की जाँच की जाएगी, ठीक है। बाकी जो है इसमें 30,000 रुपये मंथ मिलते हैं, और चयनित इंटर्न को मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई TA DA जो है जो भी सरकारी भत्ते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो सोच समझ के जो है आप अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो आज से ही जो है इस पे जो है आप काम स्टार्ट कर देंगे। ये जो है सबसे नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। दिशा निर्देश हैं उसे आप पढ़ लेंगे, बिल्कुल एक एक लाइन आपको पढ़नी है। 17/10/2024 लास्ट डेट है। ये एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है और भविष्य में किसी भी प्रकार के रोजगार या किसी रोजगार की गारंटी प्रदान नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कार्यक्रम जो कि राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, अगर आप इनमें भागीदारी देते हैं तो आपको एक तो सर्टिफिकेट मिलता है, 30,000 रुपये मंथ आपकी सैलरी इसमें आपको मिलती है, और बहुत सारे जो हैं वैकेंसी ऐसी आती हैं जहां पर ऐसे सर्टिफिकेट मांगे ही जाते हैं। चलिए वैकेंसी के लिए जो है आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार। इसमें जो है यहाँ पर आप लोगों को ये जो ब्लैक लाइन है इसमें आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल आपको दिख जाएगा यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखें ये ब्लैक लाइन जो है इसी में आपको नज़र आ गया होगा, यंग इंटर्न्स कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत। बस इस पर आप क्लिक कर लेंगे और ये पूरी PDF फाइल आपके सामने होगी, इसे अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे अप्लाई ज़रूर करें। थैंक यू।